Assalamualaikum, hi friends, I am Asghar Ali and you are watching Technical Bajwa. दोस्तों टेक्नो की तरफ से एक डिवाइस यहाँ पर लॉन्च होने वाली है, यहाँ पर अनबॉक्सिंग्स काफी ज्यादा आ गई है दोस्तों। फोन का नाम है टेक्नो स्पार्क 8C। अब स्पार्क 8C में काफी अपग्रेड्स भी की गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, काफी डाउनग्रेड्स भी की गई हैं। यहां पर ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर डिसाइड कर पाएंगे और हम कंपैरिजन भी करेंगे स्पार्क 8C का दूसरे फोन से। आपको ये बताएंगे स्पार्क 8C आपको बाय करना चाहिए या आपके पैसे जाया होने वाले हैं। भाई इस वीडियो को मेक श्योर आप कंप्लीटली देखेगा, पैसे बिल्कुल बच सकते हैं आपके। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहां पर प्रोज की बात की जाए, फिर कॉन्स की बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले जो प्राइस रखी गई है दोस्तों, 24,000 रुपए है दोस्तों इस फोन की। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 3GB आपको एक्सटेंडेड रैम भी मिलती है, मतलब के 7GB की रैम। मतलब उस रैम का कोई इतना खास काम होता नहीं है, लेकिन जो असल रैम होती है 4GB वही होती है, वो स्टोरेज से ली जाती है, उसका कोई इतना फीचर नहीं होता। खैर यहाँ पर जो मेन बात है, 4GB 128GB वाला वेरियंट अच्छी बात है दोस्तों। 24,000 की प्राइस भी आप देख लें, 4GB 128GB में यहाँ पर आपको पहले आप देखेंगे आपको इस फीचर में दूसरे फोन टेक्नो की तरफ से ही मिल रहे हैं। हम दूसरी कंपनीज की चलो बात नहीं करते, हम टेक्नो की मतलब कि यहां पर देख लेते हैं कंपनी में ही कोई फोन है इस प्राइस में टक्कर देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्पार्क 8 प्रो है, 4GB 64GB 33W की फास्ट चार्जिंग है। उसके साथ आपको कैमराज काफी अच्छे मिल जाते हैं। टेक्नो कैमोन 18T आपको 28,000 में मिलता है, लेकिन डिस्काउंट करके आपको 25 तक तो आसानी मिलेगा, मतलब कि लास्ट डिस्काउंट 24,800 भी मिल रहा था। 4x28 फ्रंट एंड बैक, 48MP कैमरा और उसके साथ 18W की चार्जिंग, बहुत कुछ मिल रहा है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहां पर दोस्तों प्राइस 24,000 की बहुत ज्यादा है उस हिसाब से, लेकिन 4GB 128GB एक अच्छा पॉइंट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आगे चलिए दोस्तों, यहां पर डिजाइन जो है वो काफी अच्छा है, डिजाइन चेंज किया गया है, तारीफ करने की बात है दोस्तों। बैक पर न्यू डिजाइन लेकर आया टेक्नो स्पार्क 8C। यहां पर आपको बैक साइड से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी मिलता है, लेकिन आपको कैमरा मॉड्यूल कुछ न्यू कलर का मिल जाता है, न्यू डिजाइन का मिल जाता है। खैर आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा इस प्राइस में। हम ये बहस नहीं करते कि दूसरी कंपनी में भी अच्छा डिजाइन है, ये वो, इसमें अच्छा डिजाइन है, हम इतनी बात करते हैं। अब यहां पर जो मेन चीज आ जाती है, जो यहां पर डिसअपॉइंट हुआ मैं, वो है इस फोन का बैक कैमरा। यहां पर 13+ AI कैमरा, मतलब QVGA कैमरा लगाया गया दोस्तों, सादा सा। सेकंड जो कैमरा है वो 2MP का भी नहीं दिया गया, और मेन कैमरा 13MP का, जब खुद ही 48MP का इस प्राइस में दे रहे कैमरा। आप स्पार्क 8 प्रो देख लें 20,000 की प्राइस में, 48MP का बैक कैमरा है और काफी अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलता है और भी अच्छे फीचर्स हैं। तो यहां पर दोस्तों कैमरा कम क्यों किया गया, फ्रंट कैमरा 8MP का आपको दिया गया है, चलो फ्रंट से हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन बैक कैमरा ज्यादा होना चाहिए, ये बिल्कुल डिसअपॉइंट वाली बात है। दूसरी कंपनीज को हम छोड़ते हुए टेक्नो की ही हम बात करेंगे कंपैरिजन में भी, तो वो भी अगर देख लें तो उससे आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पर बिल्कुल भी अच्छा कैमरा नहीं लगाया गया। तो यहां पर डिस्प्ले की अगर बात की जाए, डिस्प्ले आपको IPS LCD वाला 6.56 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले यहां पर मिल जाता है। फुल HD+ रेजोल्यूशन भी नहीं दी गई, जो कि अपने ही फोन्स में फुल HD+ रेजोल्यूशन है दोस्तों टेक्नो के इसी प्राइस रेंज में, लेकिन यहां पर नहीं लगाएगी। लेकिन अच्छी बात यह कि 90Hz का रिफ्रेश रेट है, बाकी आपको फुल HD+ भी यहां पर मिलनी चाहिए थी। लेकिन नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले इस प्राइस में चल रहे हैं, लेकिन वो इतना बहस हम नहीं कर सकते। खैर यहां पर पंच होल भी होता और साथ में फुल HD+ रेजोल्यूशन भी होने चाहिए थे। खैर और इसके साथ साथ जो बड़ी दोस्तों डिसअपॉइंट वाली बात है, वो है इस फोन का प्रोसेसर, यूनिसॉक T606 वाला प्रोसेसर दे दिया गया है। यहां पर मीडियाटेक के प्रोसेसर दोस्तों यूज कर रहा है टेक्नो, G70, G80, G85 इसी प्राइस में कोई एक अच्छी चीज नहीं मिल रही दोस्तों। यहां पर अगर प्रोसेसिंग की बात की जाए, कैमरा की बात की जाए, तो यहां पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं की गई कि एक चीज पर फोकस किया जाए कि भाई इस फोन का कैमरा अच्छा है या इस फोन का गेमिंग चिपसेट है। यहां पर नॉर्मल आप चिपसेट डिक्लेयर कर सकते हैं इसे, लेकिन हाईली गेमिंग के लिए पबजी के लिए रिकमेंड आपको नहीं करूंगा, क्योंकि G80 का मुकाबला नहीं कर पाएगा ये चिपसेट, जो कि आपको स्पार्क 8 प्रो में मिल रहा है।
20,000 की प्राइस में भी सेल लगी हुई थी, 19,500 में भी मिल रहा था। तो आपको कैमराज भी अच्छे मिल रहे हैं, डिज़ाइन भी अच्छा मिल रहा है वहाँ पर, और प्रोसेसर भी G80 का मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, ये बिल्कुल डिसअपॉइंट वाली बात है। तो सीधा सीधा लूटने का प्रोग्राम बनाया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर 5000mAh की बैटरी को लगाया गया है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 10W की चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग को भी इम्प्रूव नहीं किया गया। 33W की फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है टेक्नो के फोन्स में दोस्तों, तो 10W की चार्जिंग रखने का क्या मकसद था। 18W की चार्जिंग भी होती है फिर भी हम काबिले कबूल कर लेते। एक फीचर जो है वो 24,000 की प्राइस को यहाँ पर जो है वो जस्टिफाई नहीं करता, टेक्नो के अपने फ़ोन को देखते हुए भी। स्पार्क 8 प्रो इससे बाय कर लेते हैं, बेहतर है। कैमोन 18T अगर थोड़ा बजट है 1000-2000, अगर उससे अच्छा बजट है तो इन्फ्लिक्स नोट 11 को आप बाय कर सकते हैं। बहुत से फोन हैं दोस्तों, स्पार्क 8 प्रो को बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर कम लो बजट है आपके पास तो स्पार्क 7 प्रो ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा, 19,500 तक तो मेरे ख्याल में मिलना चाहिए, अब आसानी से मिलेगा, तो उससे आप रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों। ये फ़ोन मेरे ख्याल में तो बिल्कुल आप बाय ना करें तो बेहतर है, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अगर दोस्तों ये फ़ोन 20,000 की प्राइस में आता है, फिर भी मैं कहता हूँ महंगा है, लेकिन चलो 4-5,000 अगर कम होती है प्राइस 19,000 तक 4128 वाले की, फिर आप बाय कर सकते हैं। वो कोई भी एक चीज़ जो है वो पावरफुल नहीं है इस फ़ोन में, ओनली डिज़ाइन एंड 4GB 128GB। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फ़ोन के बारे में, आप भी कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।